जी ए इन दिस केस काइंडली सी दी एनेक्सर p2. Milots, p1 and p2 that was the adverti even dekhna hai pehle p2 dekhna hai p1 and P, uh, p1 तो p1 pehle p1 dekhna hai p1 p2 are both same so sahi p1 mein kya hai isme lotship the, the advertismant was issued by the school department the school education and the second annexure was

नॉन गेस्ट फैकल्टी की इन्होंने अब जारी ही नहीं करी कैसे मालूम पड़ेगा एडवर्टीजमेंट दिखाइए ना कहा है एडवर्टीजमेंट इफ यू विल सी एडवर्टीजमेंट में लिखा होगा ना कितनी ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं एनएक्सर पी टू टू किस विषय में देखना है एलोटशिप हिंदी विषय में हिंदी आठ और दस आठ आठ है दो है ईडब्ल्यूएस के लिए चार है

आप दारे भाई, आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि ईडब्लू ने ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया yes. वो वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए होता है कैन मूव फ्रॉम फ्रॉम टू जनरल और एज पर दी डिफरेंट एक्सामिनेशन डिफरेंट एग्जामिनेशन कानून की बात करिए uh, कहां बताइए प्रावधान तो बताइए कि माइग्रेशन होगा Having, नहीं, 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 एक चिट्ठी और भिजवा दीजिएगा कोई दिग्गम नहीं है ठीक है okay. और उसमें पीओके भी लिखवा दीजिएगा ठीक है उसका कोई परेशानी नहीं है टाइम नहीं दिया जाएगा बहस करने के बाद टाइम नहीं दिया जाता है ये हाईकोर्ट है इसको हाईकोर्ट बने रहने दीजिए आप लोग जितना भी प्रयास करना चाहे इसको मैं तहसील कोर्ट नहीं बनने दूंगा टू नहीं नहीं पॉइंट हाँ, तो एक लीजिए आप मेरे पहले इस बात का जवाब दीजिए सुनने में कोई दिक्कत नहीं साढ़े चार तक सुनेंगे नहीं पूरा होगा कल सुनेंगे मुद्दा ये बताइए आपने कहा कि पहले आपने कहा ईडब्ल्यूएस के लोगों को नहीं किया फिर आपने ट्रैक बदल दिया आपने कहा कि ईडब्ल्यू के लोग जो हैं जनरल कैटेगरी में आ गए थे तो इसलिए उनको ईडब्ल्यू के अलग कैंडिडेट तो हमने आपसे सिंपली इतना पूछा कि ईडब्ल्यू का जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है और क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में माइग्रेशन होता है क्या इस तरीके से इतनी सी बात पूछी इसका आप जवाब नहीं दे रहे एग्जाम्स ऑफ एम पी आर नॉट कंसर्न विद इट वी आर नॉट कंसर्न आई सवाल लीगल है कानूनी सवाल का कानूनी उत्तर दीजिए नॉट नोटिफिकेशन। नहीं बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा no. yes, so हाँ तो वो फाइल करेंगे दो महीने में उनको आठ हफ्ते का समय देंगे वो जवाब फाइल करेंगे चार हफ्ते उसके बाद रिजॉन्डर फाइल करिएगा तब देखेंगे फिर मुकदमे में क्या होता है शुभ नाम बताइए आपका अभिषेक पांडे अभिषेक क्या नाम है अभिषेक पांडे अभिषेक पांडे आफ्टर फॉर सम टाइम व्हेन विद द इशू दैट वेदर द रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड वेदर इन अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज परमिसेबल और नॉट Fairly submits that he is not prepared with the case full stop this is a sorry state of affair in the high court of madhya pradesh at jabalpur that counsel are not fully prepared and appear and appear before the high court half prepared or unprepared this results in criminal wastage of time of the court which can be used for to benefit other waiting litigants in the queue next para